नमस्कार दोस्तों, मैं सुजीत कुमार एडवांस एक्सेल ट्रेनिंग सेंटर से आपका स्वागत करता हूं हमारे इस YouTube वीडियो ट्यूटोरियल में, जहां सीखते हैं कंप्लीट एडवांस एक्सेल। तो दोस्तों, आज एक बहुत ही मज़ेदार चीज़ मैं लेके आया हूं आपके पास। बेसिकली मैं फॉर्म डिज़ाइन कर रहा था, तो मुझे एक आइडिया आया कि जिससे हम गूगल में या किसी तरह का फॉर्म भरते हैं तो यहाँ पे पहले से एक ऑटो रिकॉर्ड ऑटो सेव रखा ऑटो एक ऑटो सजेशन रखा रहता है। जब उस पर हम क्लिक करते हैं और टाइप करते हैं तो ऑटो सजेशन हमारा वो डिलीट हो जाता है। दूसरी चीज़, पासवर्ड, जब कोई पासवर्ड हम डालते हैं तो वो स्टार में कन्वर्ट हो जाता है। तो अगर मैंने अपना गूगल फॉर्म एक बनाया हुआ है, अब इस पर कैसे करें, जैसे यहाँ पर मैंने किया हुआ है, जैसे क्लिक कीजिए यहाँ पर, जैसे मैं कुछ टाइप करूँगा ये हमारा हट जाएगा। अब जैसे इसको डिलीट कर दूंगा तो वापस आ जाएगा। और यहाँ भी सेम हम कर सकते हैं, जैसे ही पासवर्ड में हम कुछ पासवर्ड डालें, डल रहा है, जैसे एंटर मारेंगे पासवर्ड यहाँ पे क्या हो गया, स्टार। ये फॉर्म मैंने बनाया था, हमारी रात के 9 बजे का एक बैच है, उसमें हम ये फॉर्म बता रहे हैं, एक सीट से डेटा दूसरे सीट पर हम कैसे ट्रांसफर करेंगे, ये चीज़ हम टॉपिक सिखा रहे हैं, तो उसी में मैंने फॉर्म बनाया था। हालांकि इसको हम VBA प्रोग्रामिंग से गूगल इसमें इसमें करते हैं यूजर फॉर्म। जी हाँ, यूजर फॉर्म में हमारे पास VBA प्रोग्रामिंग अवेलेबल है, जहाँ पे ऐसी फैसिलिटी हम करते हैं। बट मैं VBA यूज करके नहीं करना चाहता, क्योंकि मैं यूजर फॉर्म नहीं बना रहा हूँ, मैं सिंपल फॉर्म बना रहा हूँ। तो कैसे होगा, तो यहाँ बताता हूँ कैसे होगा। मैंने इसकी एक कॉपी यहाँ पे बना रखी है, तो जैसे मान लीजिए कुछ टाइप करें तो ऐसा हो जाए, तो मैंने इसके साइड में, हमने जो साइड हमारा है, इस साइड में हमने क्या किया, लिख दिया नेम यहाँ पे, फर्स्ट नेम आपका यहाँ दिख रहा है। फिर हमारे एक सिंपल सा होम मेनू में इंडेंट होता है, तो इंडेंट की मदद से मैं उसको जहां पोजीशन रखना चाहता हूं वहां पे पोजीशन, सॉरी, यहां इंडेंट की मदद से जहां पे पोजीशन रखना चाहता हूं वहां रख दिया मैंने। और सेम यहां पे मैं रख देता हूं लास्ट नेम, तो यहां पोजीशन पहले से इंडेंट है यह था, तो मैंने इंडेंट से अपने हिसाब से रख दिया और मिडल वगैरह कर दिया यहां पे। और सेम यहाँ ईमेल आईडी में भी हमने ऐसा ही किया कि इंडेंट का ही यूज किया कि ईमेल मैंने इससे पहले से कर रखा है, तो ऑटोमेटिक होता है। अब बात आती है पासवर्ड की, कि मैं पासवर्ड यहाँ लिखूं और पासवर्ड जो है फॉर्म में आ जाए, तो उसके लिए हमने कस्टम फॉर्मेटिंग की मदद ली। कस्टम फॉर्मेटिंग में हमारे पास एक होता है स्टार, दो बार स्टार अगर डाल देते हैं तो क्या होगा, इसमें कुछ भी टाइप होगा वो पूरा स्टार से कवर हो जाएगा, वो वैल्यू आपको विजुअल नहीं होगी। और सेम यहां भी आपको, हमने पासवर्ड डाल दिया तो इस यहां पे आपका विजुअल, अगर मैं सेम फॉर्मेटिंग कर दिया यहां पे, दो बार स्टार डाल दिया, एक स्टार तो कंपल्सरी है, उसके बाद आप डैश भी डाल दो या इनवर्टेड कॉमा में एक्स डाल दो, तो एक मिनट, एक्स नहीं लेगा यहां, एक्स, हाँ डाल दो, तो ये आपका इन्वर्टर कॉमा डालने की जरूरत नहीं, एक्स में कन्वर्ट हो जाता है। अब कुछ लोगों के मन में सवाल उठ रहा होगा कि इस फीचर्स को अगर यूजर फॉर्म पे करते तो, जैसे यूजर फॉर्म में हमने मान लीजिए कि एक टेक्स्ट बॉक्स बनाया यहाँ पे, और यहाँ पे मैंने दे देता हूँ कैप्शन, तो मैं चाहता हूँ कि कैप्शन, यूजर नेम का जो कैप्शन है मैं यहाँ नहीं देना चाहता, मैं चाहता हूँ ऑटोमेटिकली इसके इसी के अंदर आ जाए यूजर नेम और पासवर्ड। तो चलिए हम करके दिखाते हैं, एक मैं करता हूँ, एक आप कीजिएगा, आप लोग कीजिएगा, ताकि आप लोगों को भी पता चले कि कैसे होता है। तो हमें कुछ नहीं करना है कि यहाँ ये फॉर्म जब हमारा इनिशियलाइज होगा, फॉर्म इनिशियलाइज, फॉर्म इनिशियलाइज में हम यहां पे डाल देंगे मी डॉट टेक्स बॉक्स वन डॉट वैल्यू इक्वल टू एंटर नेम,
इतना करने से नहीं होगा, जब मैं इस पे ऐसा हुआ हाँ था नेम हो गया, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हटना नहीं चाहिए क्योंकि मुझे यहाँ मैनुअली डिलीट करना पड़ रहा है ना, ये मैनुअली डिलीट ना करना पड़े, तो क्या करें इसके लिए? तो इसके लिए इस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे चेंज के जगह पे हम यहाँ पे एंटर पे क्लिक करेंगे, एंटर। कि जैसे ही उसमें एंटर होगा कर्सर जाएगा मी डॉट टेक्स बॉक्स वन डॉट वैल्यू इक्वल टू ब्लैंक हो जाएगा। इसी का वजह से हम यहाँ पे ओके, ये ऑलरेडी ऑन फोकस ही इसमें है, तो फॉर्म इन स्लाइज करने हमें क्या करना होगा, मी डॉट टेक्स बॉक्स वन डॉट यहां पे एक फोकस करके आता है, सेट फोकस इक्वल टू फॉल्स, सेट फोकस सेट फोकस एक आता है लॉस्ट फोकस, बस क्योंकि तो पहली जो टेक्स्ट बॉक्स है इस कारण से सेट फोकस में है, तो मैं एक काम करता हूं, सॉरी सेट फोकस है, जैसे मैं इस पर क्लिक करूंगा गायब हो जाएगा, जैसे क्लिक किया गायब हो। इसमें और बहुत सारी चीज़ें हो सकती है, वो हम आपको किसी और क्लास में समझाएंगे। फिलहाल आप देखिए कि मैंने यहाँ पे इस फॉर्म में विदाउट वीवी प्रोग्रामिंग हमने कैसे किया होगा, तो आप भी इसका यूज कर सकते हैं अपने जो है डेटा में, अपने फॉर्म में, या किस तरह की ऐसी चीज़ करते हैं। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और हमारी पेन ड्राइव परचेज करना चाहते हैं तो पेन ड्राइव परचेज कर सकते हैं, या आप मेरे साथ क्लास लेना चाहते हैं तो हम गूगल ज्वाइन के जरिए और आपके जूम के जरिए हम क्लासेस को कंडक्ट करते हैं। थैंक यू।